विधायकों के साथ की बैठक, बैठक में पार्षद भी रहे मौजूद। पीएम मोदी पर जमकर बोला हमला। मध्य प्रदेश को मिला 2023-24 का बजट। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पेश किया 3.14 लाख करोड़ रुपए का बजट। एमपी बजट पर उमा भारती ने दी प्रतिक्रिया, ट्वीट कर कहा विधानसभा में प्रस्तुत मध्य प्रदेश की सरकार का अभूतपूर्व बजट। रविंद्र जडेजा ने इंदौर टेस्ट मैच में रचा इतिहास। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 विकेट और 5000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय बने। मेघालय में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज। संगमा ने हिमंत बिस्वा सरमा से की मुलाकात। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर, आपके साथ में हूं आफीफा मलिक। दिल्ली की आप सरकार के मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच मंगलवार को कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के विधायकों और पार्षदों के साथ बैठक की। पीएम मोदी पर अरविंद केजरीवाल ने जमकर निशाना साधा। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दोनों मंत्री हमने बदल दिए, सौरभ भारद्वाज और आतिशी सिंह पढ़े लिखे लोग हैं, अब हम अच्छा काम दुगनी गति से करेंगे। पहले अगर 80 की स्पीड से काम होता था तो अब 150 की स्पीड से काम करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि आबकारी नीति का मामला एक बहाना है। केवल आम आदमी पार्टी ही नहीं पूरे देश को मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन पर गर्व है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे लोगों को सलाखों से पीछे पहुंचाया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शराब नीति में कोई घोटाला नहीं हुआ है, फर्जी है। जो काम हम कर रहे हैं वो पीएम कर नहीं सकते। केजरीवाल और आपकी सरकार को रोका जा रहा है। बुधवार को मध्य प्रदेश का वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट पर खुशी जताते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा और उनकी पूरी टीम को बधाई दी। साथ ही बजट को अद्भुत और अकल्पनीय बताया। सीएम शिवराज ने कहा यह बजट हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण का बजट है। साथ ही बजट की तारीफ करते हुए कहा कि यह माँ बहन और बेटी के उत्थान का बजट है, ये किसानों की आय बढ़ाने का बजट है, ये अमृतकाल में विकास और समृद्धि के अमृत की वर्षा का बजट है। मध्य प्रदेश का बजट पेश होने के बाद भाजपा में खुशी का माहौल है। भाजपा के नेता कार्यकर्ता बजट पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। चुनाव के नजरिए से भी बजट को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता उमा भारती ने इस बजट को अभूतपूर्व बताया। अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से पोस्ट कर लिखा, मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत मध्य प्रदेश की सरकार का अभूतपूर्व बजट। इस पोस्ट में उमा भारती ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को भी टैग किया। रेल मंत्रालय ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए 3 राज्यों को बड़ी सौगात देने का निर्णय लिया। इस फैसले के चलते अब लाखों लोग होली से पहले आराम से सफर तय कर सकते हैं। इस निर्णय के तहत अब राजस्थान के जरिए गुजरात से मध्य प्रदेश जुड़ने वाला है। इन रेल सेवाओं का विस्तार भी कर दिया गया है। ऐसा पहली बार होगा कि गुजरात से जयपुर और गुजरात से राजस्थान होते हुए इंदौर तक ट्रेन चलेगी। इससे गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोगों को काफी राहत मिलने वाली है। साथ ही आसानी से अब तीनों राज्यों के लोग रेलवे का सफर भी तय कर सकेंगे। मेघालय में विधानसभा की 60 सीटों के लिए चुनाव हुए, जिसके नतीजे 2 मार्च को आएंगे। वहीं चुनाव के मद्देनजर मेघालय में सियासत तेज हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगवा ने चुनाव की मतगणना से पहले गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा से मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरमा और संगमा की मुलाकात मंगलवार रात गुवाहाटी के होटल में हुई। डीएमके के अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन का 1 मार्च को जन्मदिन है। स्टालिन की पार्टी के नेता और समर्थक धूमधाम से उनका जन्मदिन मना रहे हैं। इस अवसर पर डीएमके ने चेन्नई में विशाल रैली का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत कई अन्य दिग्गज नेता शामिल हुए। रैली को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सभी समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों को विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ एक साथ आना चाहिए। मैंने कभी नहीं कहा कि कौन नेतृत्व करेगा या कौन पीएम बनेगा, यह सवाल नहीं है। हम एकजुट होकर लड़ना चाहते हैं, यही इच्छा है। राजस्थान के ब्यावर में खाटू श्याम बाबा का वार्षिक लक्ष्मी मेला बुधवार से शुरू हुआ, जहां 1 मार्च से लेकर 4 मार्च तक उत्साह और धूमधाम से मेले का आयोजन किया जाएगा।
मेले को लेकर सभी तरह की तैयारियां भी कर ली गई हैं और श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा गया। चार दिन तक कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। फाल्गुन मेले के पहले दिन चंग धमाल और केसर होली खेली जाएगी। अजमेर के गायक राकेश वैष्णव चंग फाल्गुन और श्याम होली भजनों की प्रस्तुति भी करेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जहां अहम फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल की इस बड़ी बैठक में नया हेलीकॉप्टर लेने को मंजूरी दी गई। हिमाचल प्रदेश सरकार के पास जो हेलीकॉप्टर है उसकी समय सीमा 31 मार्च को खत्म हो रही है। अब सरकार नया हेलीकॉप्टर लेगी। इस फैसले के चलते प्रदेश सरकार अब टेंडर की प्रक्रिया शुरू करेगी। इसके अलावा और भी कई बड़े मुद्दों को लेकर फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के 9 पद नियमित आधार पर भरने की भी स्वीकृति दी। विवादों से घिरे अडानी ग्रुप को लेकर एक खुशखबरी आ रही है, जो फिलहाल ग्रुप के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। अडानी ग्रुप को सोवरेन वेल्थ फंड से 3 अरब डॉलर का लोन मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 अरब डॉलर का कर्ज मिलने की जानकारी मिल रही है। रिपोर्ट्स में यह भी खुलासा हुआ कि इस लोन की लिमिट 5 अरब डॉलर तक बढ़ाई भी जा सकती है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने एक बड़ा खिताब अपने नाम किया। रविंद्र जडेजा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 विकेट पूरे किए और 5000 रन बनाने वाले भारत के दूसरे क्रिकेटर बन गए। रविंद्र जडेजा ने शानदार वापसी की है और उनकी अच्छी परफॉर्मेंस को देखते हुए टीम में खुशी का माहौल है। फिलहाल खबरों में इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए।